राजधानी के चोमू थाना इलाके में NH-52 पर नवड़ी कोठी ढाणी में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतका की मौत को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने मामले को आत्महत्या बताया है, तो वहीं मृतका के चाचा विमल कुमार यादव ने चोमू पुलिस थाने में दहेज के लिए प्रताड़ित करने और भतीजी सुमन की हत्या करने के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में मृतका के पति, सास ससुर, देवर आदि पर दहेज प्रताड़ना तथा हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका सरिता यादव की 1 साल पहले ही कृष्ण यादव से शादी हुई थी। एक नवविवाहिता श्रीमती सुनीता उर्फ सरिता के चाचा विमल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी भतीजी को मार के और लटका दिया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और विवाहिता का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश करके शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरी भतीजी जो हड़ौता के पास ब्याही थी, उस बच्ची को पिछले 2 महीनों से इसके ससुराल पक्ष वाले लगातार दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे और इसका नतीजा ये रहा। मैंने 2-3 बार इनको समझाइश करने की कोशिश की ससुराल वालों को, लेकिन इनके सास ससुर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी।